सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं टाटा 4087 ट्रेलर ट्रक के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी इस ट्रक के बारे में। वो बोल रहे थे कि सर, जो अपने चैनल पे कोई सेकंड हैंड जो ट्रेलर ट्रक लग रही है, सेकंड हैंड ट्रेलर ट्रक लग रही है। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल शानदार कंडीशन का, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन का जो है टाटा 4087 ट्रेलर ट्रक लेकर आया हूँ। जी दोस्तों, इस गाड़ी की अगर मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल नंबर है 2016 और गाड़ी की कंडीशन के बारे में बात करें गाइस, ऑल ओवर 360 डिग्री एंगल से, तो बता दूं गाइस, गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो। जी दोस्तों, गाड़ी की जो ऑल ओवर पूरी की पूरी जो सर्विसेज है वो कंपनी में की जाती है या फिर जो है बढ़िया से वर्कशॉप पर टाइम टू टाइम की जाती है, इसलिए पूरी गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इसके ऑल डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के बारे में। जी दोस्तों, इसके ऑल डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भी जो आपको पूरे कंप्लीटली मिलने वाले हैं, इंश्योरेंस जो आपको बिल्कुल रनिंग कंडीशन में मिलने वाला है, और जो गाड़ी के ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है गाइस वो भी जो आपको पूरे कंप्लीटली मिलने वाला है। जी दोस्तों, मैं भी आपको पूरी गाड़ी को चेकआउट करा दूंगा 360 डिग्री एंगल से, और आप चेकआउट कर लीजिएगा पूरी गाड़ी के इंटीरियर को, एक्सटीरियर को, गाड़ी के टायर्स, गाड़ी की पूरी बॉडी लाइन वाइज को एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओनली फॉर इस गाड़ी के जो इशूज़ की अगर बात करूँ नेगेटिव पॉइंट का, तो इस गाड़ी में जो थोड़े बहुत टायर्स की आपको जो नेगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। ये दोस्तों, इस गाड़ी के जो टायर्स है वो आपको 20-30% तक ही मिलने वाली है। जी दोस्तों, 20-30% ही टायर मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। जो भी आपको खर्चा आने वाला है वो ओनली फॉर जो टायरों का खर्चा आने वाला है। जी दोस्तों, और किसी भी प्रकार की अदरवाइज कोई इश्यूज वगैरह कुछ है नहीं है, पूरी की पूरी जेन्युइन है। टाइम अभी जो है न्यू सर्विसेज होकर आई है, जो कंपनी में होकर आई है, ऑयलिंग पल्टी वगैरह सब कुछ, जो ऑयलिंग इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज हो रखा है, और पूरी गाड़ी आपको ज़बरदस्त कंडीशन में मिलने वाली है। टायर्स की अगर बात करें तो टायर्स भी आपको इसमें जो है 3 जोड़े आपको टायर्स लगवाने पड़ेंगे, और जो बाकी के टायर्स वो आपको पूरे कंप्लीटली मिलने वाले हैं, मतलब 70-80% बाकी जो टायर कंप्लीटली मिलने वाले हैं। 2 या 3 जोड़े आपको इसमें लगवाने पड़ेंगे टायर्स की अगर बात करें तो, और अदरवाइज और पूरी की पूरी 360 डिग्री एंगल से पूरी जबरदस्त कंडीशन की गाड़ी मिलने वाली है। इंजन वाइज, टायर वाइज सभी जो है कंप्लीट मिलने वाला है, ऑल डॉक्यूमेंट्स और पेपर सभी जो है कंप्लीटली मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फाइनली इसके आस्किंग प्राइस की। जो दोस्तों, इसकी आस्किंग प्राइस की अगर बात करूँ तो इसकी ओनली फॉर 16,90,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। जी दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को कैश में खरीदना चाहते हो गाइज, तो आपको 16,90,000 रुपये आपको पे करने होंगे। और दोस्तों, ये जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ वो नेगोशिएबल प्राइस है, ऑन टेबल जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है इस प्राइस रेंज में भी। अगर आप दोस्तों इस गाड़ी को लोन पर लेना चाहते हो गाइज, तो ओनली फॉर 3 लाख रुपये देकर इस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो लोन पर। जी हाँ दोस्तों, लोन की जो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी इस गाड़ी पर, इसलिए मात्र 3 लाख रुपये देकर इस गाड़ी को आप अपने घर ले जा सकते हो लोन पर। अगर आप इसको कैश में खरीदना चाहते हो गाइज, तो आपको 16,90,000 रुपये आपको पे करने होंगे, फिर नेगोशिएबल प्राइसिंग है, थोड़ा बहुत जो आपको मान सम्मान रखा जाएगा अगर आप इस गाड़ी की डील करते हो तो। जी दोस्तों, तो दोस्तों इस गाड़ी के अगर एड्रेस की अगर बात करूँ तो पूरा का पूरा एड्रेस है वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस गाड़ी का एड्रेस पता कर इस गाड़ी को जो है फटाफट परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेकेंड हैंड ओल्ड टाइप के जितने व्हीकल्स है वो सब जो मैं आपके फायदे के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हो। फ्रंट से अगर बारे में बात करें तो सेंटर कंसोल में जो है टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, और साइड में जो है टाटा 4087 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल देख सकते हो, और फ्रंट में जो है मजबूत हेवी स्टील का जो है बम्पर यूज हो रखा है गाड़ी की सेफ्टी के लिए। हेडलाइट की अगर बारे में बात करें तो बिल्कुल चमचमाती हुई हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल हेलोजन लैंप के साथ में दी जाती है कंपनी फिटेड, और ऑलरेडी जो है कंपनी फिटेड लोहे का मजबूत बम्पर भी यूज किया गया है। तो साइड की प्रोफाइल आप देख सकते हो, कम्प्लीटली बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल जेन्युइन मिलने वाली है। इस गाड़ी की जो फ्रंट के टायर की अगर बारे में बात करें तो फ्रंट का जो टायर है वो आपको 90% प्लस तक देखने को मिल जाएगा, एमआरएफ का टायर मिलने वाला है। सो चेकआउट कर सकते हो। बैक से भी आप देख सकते हो, पूरा का पूरा जो एयर फिल्टर वगैरह इनको देख सकते हो, और जितने भी स्प्रिंग वगैरह, जितने भी जो है कंप्रेसर वगैरह वो सब जो प्रॉपर काम करते हैं। कबाड़ी के पाटे वगैरह को भी देख सकते हो। और बैक के टायर की अगर बारे में बात करें तो बैक के जो टायर है ये भी जो आपको 30-40% प्लस तक देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी के। सो इस गाड़ी की जो ट्रॉली है इसको भी आप देख सकते हो, ये भी कम्प्लीटली बिल्कुल साफ सुथरी मिलने वाली है। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ स्क्रेचेज वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलने वाले हैं मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस गाड़ी की ट्रॉली की। सो आप देख सकते हो, इस गाड़ी की जो रियर के टायर से ट्रॉली के, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको मतलब लगवाने पड़ेंगे,
ऑलमोस्ट इन टायरों की अगर बारे में बात करें तो ये जो कम मतलब 30% तक ही कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। सो बैक के जो कबाड़ी के पट्टे वगैरह को देख सकते हो, ये भी कम्प्लीटली बिल्कुल आफ्टर मार्केट बढ़वाए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हैवी लोडिंग के लिए। सो आप देख पा रहे होंगे कितनी गाड़ी जो है बिल्कुल शानदार दिख रही है, कितनी इनहेंस कर रही है अपने आप में। वो इसलिए कर रही है क्योंकि गाड़ी जो पूरी की पूरी वेल मेंटेन रखी हुई है। इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि इस गाड़ी में आपको टायर लगवाने पड़ेंगे जो कि ट्रॉली के। सो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की जो ट्रॉली जो है, बॉडी का जो फ्रेश वगैरह को आप देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल जेन्युइन मिलने वाला है। सो ऑलमोस्ट देख सकते हो मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए गाड़ी की कंडीशन की, तो ठीक ठाक कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। सो ऑलमोस्ट चेकआउट कर ही सकते हो। और लेफ्ट साइड जो बैक के टायर की अगर बारे में बात करें तो ये भी जो बैक के टायर भी आपको जो है 30-40% प्लस तक देखने को मिलने वाले हैं। जो गाड़ी का डाला होता है, बॉडी होती है मतलब ट्रॉली होती है, ये कहीं से कुछ गड़ी वली हुई नहीं है, मतलब ठीक ठाक कंडीशन की आपको मिलने वाली है। सो आप चेकआउट कर सकते हो। गाड़ी की चेची वगैरह को देख सकते हो, चेसी वगैरह होती है, चेचिस वगैरह, इनमें भी कुछ इश्यूज़ वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। और कबाड़ी के पट्टे जो बड़े हुए हैं यहीं, इनमें जो ग्रीसिंग वगैरह टाइम टू टाइम की जाती है, इसलिए कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं होने वाला है। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे पूरी गाड़ी को, मैं 360 डिग्री एंगल से पूरी गाड़ी को आपको चेकआउट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो जहाँ से गाड़ी की ट्रॉली और जो गाड़ी कनेक्टेड होती है उनमें जो प्रॉपर सर्विसेज मतलब ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर जो है दी जाती है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ओके बना हुआ होता है। सो स्प्रिंग वगैरह पावर की जितनी भी स्प्रिंग होती है इनको देख सकते हो। और गाड़ी के इंजन को भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें भी कुछ लीकेजिंग वगैरह, कुछ सील वील भी कटी हुई आपको नहीं मिलने वाली है, मतलब बिल्कुल फ्रेश इंजन मिलने वाला है। आप चेकआउट करवाने में चेकआउट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे। सो चेकआउट कर सकते हो। सो जो गाड़ी का केबिन होता है इसको देख सकते हो, इसमें सिंगल स्क्रेचेज भी जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाले हैं। स्क्रेचिंग ओनली फॉर डाले के अंदर होती है, मतलब जो ट्रॉली होती है इस गाड़ी की, इसमें जो है थोड़े बहुत स्क्रेचेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो गाड़ी का केबिन है और जो गाड़ी के केबिन के जो टायर है वो आपको 90% प्लस तक देखने को मिलने वाले हैं। और पूरे केबिन के अंदर बिल्कुल जो है स्क्रेचेज नहीं मिलने वाले हैं, मतलब पूरे की पूरी जैसा कंपनी फिटेड होता है, कंपनी से निकलवा के लेके आते हैं, जैसा का वैसा ही जो केबिन मिलने वाला है। सो गाइस आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने 360 डिग्री एंगल से पूरी गाड़ी को आपको चेकआउट करवा दिया है, आपको विजिट करवा दिया है। सो ऑलमोस्ट चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में जो है दोनों साइड जो है आफ्टर मार्केट जो है एक्सटर्नल एसेसरीज के तौर पर जो है स्टील के पाइप लग रखे हैं, जो कि इंडिकेटर्स और केबिन की जो है थोड़ा बहुत सुरक्षा करते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे मॉडल के अकॉर्डिंग जो ठीक ठाक कंडीशन देखने को मिली जाएगी। नेगेटिव पॉइंट की बात बताई दी कि ओनली फॉर आपको जो टायर डलवाने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई भी किसी भी गाड़ी में इश्यूज वगैरह नहीं मिलने वाला है।